दोस्तों चलिए आज मेरे गार्डन में कुछ नया क्रिएशन करते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे जो नीचे वडेलिया के प्लांट्स, जिसमें छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स हर समय खिलते रहते हैं, उनको हटाकर मैंने कुछ न्यू लैंडस्केपिंग की है। तो आप लोग भी देख लीजिए मैंने कौन कौन से यहाँ पर नया नया क्रिएशन किया है। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था करके कि यहाँ पर जो वडेलिया के प्लांट्स थे उनकी जो वाइन्स है बहुत दूर दूर तक फैल रही थी, तो उनको हर समय कट करके उनकी बाउंड्री तक रखना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया करके कि यहाँ के जो वडेलिया के प्लांट्स हैं उनको मैं हटा दूँगी और यहाँ पर एक नया क्रिएशन करूँगी। इसीलिए मैंने सारे वडेलिया को हटा दिए और यहाँ पर जो कोलियस ग्रो हो रहे थे उनसे मैं हेल्दी कटिंग्स ले रही हूँ, और कटिंग लेकर यहाँ पर मैं एक नया स्टाइल से ग्रो करूँगी। तो थोड़ा सा मेहनत वाला ज़रूर काम है, मगर यहाँ की जो लैंडस्केपिंग बनेगी मेरे द्वारा बहुत ही सुंदर लुक देगा। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। अभी शाम हो चुका है और रात भी होने को आई है, इसलिए वीडियो की क्लिपिंग थोड़ी सी डार्क हो रही है। फिर भी दोस्तों मुझे ये काम करना था और शाम को करके बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आप लोग देखते जाइए, फर्स्ट मैंने यहाँ की सारी ज़मीन को साफ़ कर दिया है, सारे वडेलियास को मैंने हटा दिया है। अभी इन कोलियस को पार्ट पार्ट करके यहाँ पर मैं ग्रो करूँगी। मैंने यहाँ के एरिया को पहले ही मार्किंग कर लिया है कहाँ कहाँ पर मैं कोलियस ग्रो करूँगी। तो हेल्दी कटिंग्स को मैंने छाट लिया है, अभी उनकी जो ब्रांचेस है सॉइल पर मैं उनको ग्रो करना स्टार्ट करूँगी। मेरे हिसाब से ये वाला जो लैंडस्केपिंग होगा जस्ट मेरे बरामदे के नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। दोस्तों रात हो चुकी थी इसलिए मैंने कोलियस लगाते समय ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं ली थी, क्योंकि बहुत ही डार्क हो रहा था वीडियो। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट दिन का समय है, अभी मॉर्निंग में देखिए कितना अच्छा विजुअल आ रहा है। मैंने यहाँ पर डिवाइड करके यहाँ पर मैंने ईंटें लगा दी है पार्ट पार्ट करके सबको मैंने मेजरमेंट कर लिया था फर्स्ट में। अभी ये जो ट्रे में देख रहे हैं ये सारे पिंक रेन लिली के यहाँ पे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं जो मैंने अपने गार्डन से ही निकाला है। इस रेन लिलीज में दो बार ब्लूमिंग हो चुकी है, अभी मे भी थर्ड एंड फोर्थ बार यहाँ पे ब्लूमिंग होगी, मगर ना भी हो सके क्योंकि अभी मैंने वहाँ से निकाल कर यहाँ पर लगाऊँगी। और इस वाले पार्ट में मैं सारा रियो के प्लांट्स ग्रो करूँगी, ये भी मेरे पॉट्स में लगे थे वहाँ से मैंने डिवाइड किए हैं, क्योंकि रियो के प्लांट्स रूट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स उसके मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर हम चाहे तो वहाँ से हम डिवाइड करके और भी न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से बहुत सारे रियो के प्लांट्स निकाले हैं। और मैंने फैसला किया है कि ये वाले पार्ट में मैं रियो के प्लांट्स, यहाँ पर ये रेन लिली, फिर यहाँ पर रियो के प्लांट्स जो कि मैं मॉर्निंग में कर चुकी थी आधा काम, और बहुत सारा काम तो मैं पहले ही कर चुकी थी मगर आप लोग के लिए मैं क्लिपिंग नहीं ले सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट दोस्तों मैं अपने रेन लिलीज लगा लेती हूँ, मैं एक एक बल्ब करके नहीं, एक बार में मैं 5-6 बल्ब्स इकट्ठे लेकर उनको ग्रो करूँगी, क्योंकि ये पहले से मैच्योर बल्ब हैं। अगर हम एक साथ बहुत सारे बल्ब्स को लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जल्दी घना हो जाएगा और नीचे से और भी ज़्यादा इसमें बल्ब्स तो डेवलप होते ही रहेंगे। जब ये पूरा पार्ट ये रेन लिलीज से भर जाएगा और जब एक सीज़न में ये टाइम में यहाँ पर सारे ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएंगी तो बहुत सुंदर लगने लगेगा।
अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये रियो के प्लांट्स को ग्रो करूँगी दूसरे वाले ये जगह पर। यहाँ पर मैं प्लांटर से काफ़ी रियोर्स के प्लांट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि वो वाले एरिया में सारे रियो के प्लांट्स भर सकूँ। वैसे भी एक प्लांट से काफ़ी प्लांट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होते रहते हैं रियो के प्लांट से, इसलिए हमें फ़ायदा है कि एक प्लांट से हम काफ़ी प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो उस वाले पार्ट पर मैं रियो के प्लांट्स लगा लेती हूँ फर्स्ट। दोस्तों देखिए मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया है ग्रो करने वाला। और यहाँ पर देखिए मैंने रियो के प्लांट्स, फिर रेन लिली, फिर रियो, ऐसे करके मैंने ये लाइन को कंटिन्यू किया है। अभी तो थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएंगे क्योंकि न्यूली मैंने इनको ग्रो किया है। एक दो दिन के बाद जब वो सेट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा और सारे ये जो एरिया है वो भर जाएगा रेन लिली एंड रियो के प्लांट से। तो मे बी ये एरिया जो मैंने लैंडस्केपिंग बनाई है न्यूली जो क्रिएट किया है बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अभी मैं इनको थोड़ा सा पानी से वॉश कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी इन ईंटों में चिपक गई है। तो फाइनली मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। दोस्तों अभी देखिए मैंने सारा गार्डन का वर्क ख़त्म कर दिया है, साफ सफाई भी कर दी है, ईंटों को भी पानी से वॉश कर दिया है। कभी कभी मुझे तो कोई भी काम जो मैं लेती हूँ अपने हाथों में उसको करने में 1 वीक भी लग जाता है, मगर ये वाली जो न्यूली मैंने लैंडस्केपिंग की है पूरे 3 दिन लगे। मैंने 3 दिन कंटिन्यूस इसमें वर्क किया है और कभी कभी तो 1 वीक भी लग जाता है क्योंकि गार्डन वर्क तो हम जब फ्री होते हैं घर के काम से तभी हम लोग इसको करते हैं क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। फ्री टाइम पर ये सब करना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो न्यू लैंडस्केपिंग मेरा कंप्लीट हो चुका था जो मैंने मन में ठान लिया था क्योंकि यहाँ पर जो वेडिलिया के प्लांट्स थे बहुत सुंदर तो लगते थे मगर उसमें बहुत ही मेहनत होती थी, उनके जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा डेवलप होती रहती थी, इधर उधर फैलती रहती थी, उनको शेपिंग करना, उनको कट करते रहना बहुत ही टफ वर्क मुझे लगा, इसलिए मैंने ये सब चेंजिंग करके न्यू लैंडस्केपिंग बनाई है। दोस्तों मैंने अभी डिसाइड किया है कि ये जो ईंटें हैं इनके ऊपर मैं कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स अगर रख दूं तो कैसा लगेगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स पे ये टेरोनिया के प्लांट्स न्यूली मैंने ग्रो किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इनको सीड से ग्रो किया है। छोटे छोटे प्लांटर्स में मैंने इनको रेडी किया है जो होल सीजन इसमें ब्लूमिंग होती रहेगी। मे बी ये वाला लैंडस्केपिंग बहुत ही सुंदर लगने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों मेरा तो गार्डन वर्क ख़त्म हो गया है, तो आप लोग भी मेरे इस लैंडस्केपिंग से बहुत सारे कुछ न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये न्यूली क्रिएशन जो लैंडस्केपिंग का मैंने बनाया है कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।